चूहा तुलवाएगा ये देखना। हेलो गाइज, मैं हूँ शिवराज और मैं अभी आया हूँ अजमेर रामगंज मंडी। तो अभी मैंने यहाँ से सब्जियाँ खरीद ली है और अब घर के लिए रवाना हो रहा हूँ बस। तो अभी आपको घर चलेंगे और फिर बताते हैं। तो अभी मैंने रख रखा है इसमें ऑटो में जो भी सब्जियाँ वगैरह ली है और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो अभी समय हो चुका है 7:30। तो चलो ठीक है, घर चल के फिर बात करते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी घर पर और अब दुकान खोल रहा हूँ। तो अभी बज चुकी है 9 और अब फटाफट से पहले सब्जियाँ वगैरह जमा लेते हैं क्योंकि अब अंदर पड़ी है सब्जियाँ। तो अंदर से सब्जी लाकर अब मैं जमा रहा हूँ और फिर जमाने के बाद में लगाते हैं दुकान। तो चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। दादी तो दिन में आ गई थी, थोड़ी टोटली बोल रहे हैं। हेलो लायो की थी हमारा आ गई वो पीने चल रही है। ये भी निकाल दो, ये हो गया आपके पाओ। एक दिन में क्या होगा? अब आपके जैसे खीरा में हो गया ना, एक जैसे ज्यादा और क्या कर सकते, उसको काट के तो छोटा नहीं कर सकते। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, ग्राहक आ रहे हैं लगातार और सेल हो रही है सब्जी। तो फटाफट से और बाकी बची है सब्जियां उनको जमा लेते हैं और सेल करते हैं और दिखाते हैं आज शाम तक कैसे चलता है मार्केट। किलो है 15 के पाव है, कम लोग जो ज़्यादा लग जाएंगे। क्योंकि देखो क्या थोड़े थोड़े में दे रहे हो, तो ज़्यादा भी ज़्यादा है ना, बस बात हो गई है। ये क्या हो रहा है? ये चालू है, लाइन चालू है। अच्छा, टमाटर थोड़ा तो चलो ठीक है गाइस, आपको दिखा देते हैं आज हमारे पास क्या क्या सब्जियां हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये अदरक है हमारे पास में, इधर है पालक है, मेथी है, ये इधर पत्ता गोभी, लौकी और बैंगन है, और ये इसके अंदर हल्दी है, इधर मिर्ची पड़ी है, भिंडी हो गई है, सेम फली, गवार फली, और ये है फूल गोभी, इसमें पड़े हैं बैंगन, इधर खीरा है, इधर गाजर मटर है, और इधर चलते देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में अमरूद है, जामफल, केले, एप्पल, आलू, और ये इधर खुली मेथी है, और ये इधर अपने टमाटर पड़े हैं इसमें, और ये इधर केले भी पड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज ये सब्जियां लेकर आए हैं हम और सेल करते हैं आज इनको, देखते हैं शाम तक कितनी सब्जियां सेल हो पाती है। तो दोस्तों अभी सब्जियां बेच रहे हैं और ये देखो आया छोटू। हाँ बेटा बोल। चूहा तुलवाएगा ये देखना। तो ये चूहा 22 ग्राम बेचारे का वजन है, ये देखो लाल चूहा है, लाल आंखों वाला, लेकिन बच्चों से चूहे का वजन है। भैया क्या चीज आपका वो लाना रोड भी, वो तो बेटा अभी बाहर निकलेगा तो भागता फिरेगा, उसको कहाँ लेके चलूंगा मैं। नहीं एक बार लेकर आओ, बंदा हुआ बेटा वो अभी। अरे कुलेवा मैं वो खेल रहा था। खेलने दो उसको, वो बेटा क्या है कि अभी खाऊं फाड़ू ज्यादा करता वो। खाऊं को खा जाएगा। हाँ वो लपकता है। तो हम दूर से देख लेंगे ना। तो बेटा वो भागेगा भी बाहर। लेकर आओ ना। तो ये भी छोटू है, ये भी इधर है, ये बेटा पढ़ाई नहीं करता। ये क्या नाम बेटा इधर?
भाग गया। चल ठीक है। अब देखा था तूने वीडियो देखा था क्या पहले, ये बता मेरे को पुष्कर वाला है क्या क्या था उसमें, क्या बताया मैंने है ऐसे ही। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी घर के अंदर और अभी समय हो रहा है 8:30। तो अभी मैंने दुकान मंगल कर दी है और आज जो हमारी सब्जियां थी सभी की सभी बिक चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। बस थोड़ी सी सब्जियां बची थी जिसमें से थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी टमाटर बचे हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आज जो भी सब्जियां हम लेकर आए थे सारी बिक गई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज सारी सब्जियां बिक पाएगी, क्योंकि आज देवउठनी ग्यारस थी और देवउठनी ग्यारस को शादी सावे वगैरह ज्यादा रहते हैं, इसलिए लोग बार क्या है कि शादियों के अंदर जाते हैं। लेकिन अच्छा हुआ हमारी सारी सब्जियां खत्म हो गई है और कुछ भी नहीं बचा टमाटर मिर्ची के अलावा, थोड़ी सी टमाटर थोड़े से मिर्ची बचे हैं जो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सब्जी लेकर आए थे 5,200 रुपए की, जिसमें से हमारे बने हैं 5,526 रुपए, जो कि ठीक ठाक है, ना तो ज्यादा प्रॉफिट है ना ज्यादा लॉस है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।